ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत के बाद आप सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब पूरे देश में पार्टी के प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। केजरीवाल की नजरें साल के अंत में होने वाले चुनावी राज्यों के साथ साथ अब अन्य राज्यों पर भी आकर टिक चुकी है। गुजरात, कर्नाटक और हिमाचल के साथ ही आपके टारगेट पर अब दिल्ली और पंजाब के सबसे करीबी हरियाणा भी है। इस उद्देश्य में बड़ी सफलता हासिल करते हुए केजरीवाल ने गुरुवार को हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी का आम आदमी पार्टी में विलय करवाने में सफल हुए। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक और अध्यक्ष निर्मल सिंह ने अपनी बेटी चित्रा सरवाना के साथ अपनी पूरी पार्टी के आम आदमी पार्टी में विलय करने की घोषणा की है। आपको बता दें, देश के कई राज्यों में अपने विस्तार की योजना बना रही आम आदमी पार्टी में इन दिनों बड़ी संख्या में कई पार्टियों के नेता शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को हरियाणा के बड़े नेता व पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने अपनी पार्टी हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट का आम आदमी पार्टी में विलय कर लिया है। निर्मल सिंह के साथ उनकी बेटी भी चित्रा सरवाना आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ये विलय हुआ है। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के आप में विलय होने पर अरविंद केजरीवाल ने निर्मल सिंह को बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट का आम आदमी पार्टी में विलय होने से न सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे देश में पार्टी को मजबूती मिलेगी। हरियाणा और देश की तरक्की के लिए हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। वहीं अपनी पार्टी का आम आदमी पार्टी में विलय करने के बाद निर्मल सिंह का कहना था कि अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों और दिल्ली मॉडल से प्रभावित होकर ही मैंने आज ये बड़ा फैसला लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का परिवार हरियाणा और देश के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे देख विपक्षी दलों के होश उड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी के साथ पूरे देश के अंदर लोग जाति और धर्म की राजनीति को छोड़कर काम की राजनीति को अपना रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान सुशील गुप्ता ने कहा कि आज देश देख रहा है कि जनता भ्रष्टाचारी सरकारों को छोड़कर ईमानदार सरकार की तरफ अपना रुख अख्तियार कर रही है। हरियाणा के अंदर बहुत तेजी से लोगों का मन परिवर्तन हो रहा है। सुबह से लेकर शाम तक लगातार लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। किसी भी पार्टी के व्यक्ति हो, आज वो चाहते हैं कि प्रदेश में अब आम आदमी पार्टी की सरकार आए, जिससे हरियाणा भी दिल्ली की तरह विकसित हो। हरियाणा में भी दिल्ली की तरह स्कूल, कॉलेज, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल बने। दिल्ली की तरह महिलाओं की सुरक्षा और किसानों का सम्मान हो। यही कारण है कि आज अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल से प्रभावित होकर निर्मल सिंह पार्टी में शामिल हुए हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।